अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस रेहान है। आज हम जमात सौम उर्दू ए का काम करेंगे। सबक नंबर 3, प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदात। अल्फाज मायने इसके रहनुमाई, रास्ता दिखाना, अमीन अमानतदार, मिलने सार हर एक से मिलने मिलना, ताकीद जोर देना, पैरवी करना, फरमा बदारी, असवा हुस्ना, नेक मिसाल। अब आप लोगों ने ये अल्फाज मायने अपने समर पैक पर यहाँ लिखने हैं। इसके बाद सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। सवाल नंबर 2 है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किसका अमली नमूना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की फरियाद सुनकर उनके साथ इंसाफ फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूमों की फरियाद सुनते और हमेशा उनका साथ देते थे। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह को शहीद करने वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को शहीद करने वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया। आखिरी सवाल है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया क्या है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवाए हुस्ना की पैरवी करना दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का ज़रिया है। अब आप लोगों ने ये सारा काम अपने समर पैक पर लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।